खबर झांसी से है, जहां कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सभी वर्गों को देखते हुए भारत का संविधान बनाया और उन्होंने लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सही सरकार चुनने की ताकत वोट के माध्यम से प्रदान की। उन्हीं के संविधान की ये देन है। भीमराव अम्बेडकर जी का बड़े निर्माण दिवस था और हम लोगों ने आकर यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान की वजह से जो वर्ग एक लंबे समय से शोषण का शिकार होता था, दबाव और कुचला वर्ग था, उसको एक स्थान मिला। और मैं समझता हूँ कि इस भारत के अंदर जब ये समय था कि जब राजा गर्भ से पैदा हुआ करता था, आज बाबा साहब की देन है कि वो जनता के वोट से पैदा हो रहा है। हर आदमी के हाथ में वोट की ताकत है और उसके पास ताकत है कि वो अपना नेता खुद चुन सके। लोकतंत्र से अच्छा कोई मैं समझता हूँ तंत्र नहीं है। आज हम लोग स्वच्छ भारत में सांस ले रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है कि हर वर्ग यदि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र है। हम हिंदुस्तान की आत्मा, हिंदुस्तान के आदर्श परम आदरणीय बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उनके चरणों को नमन करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, कांग्रेस का एक एक परिवार का व्यक्ति मानता है कि बाबा साहब की जो संस्कृति और जो संस्कार और जो संदेश है, अगर हम उसे अपने जीवन में अपना लें जितना महत्वपूर्ण, जितना शक्तिशाली समर्पित संविधान उन्होंने दिया है, ये पूरे वर्ल्ड में, संसार में कहीं पर भी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के पास। झांसी से वासु हसन की रिपोर्ट।